नीचे के कर्मचारी होते हैं वो लापरवाही बरतने लगते हैं। उसमें कार्रवाई चल रही है और जो लंबे समय से जमे हैं उनको सबको हटाया जाएगा। अब डीजी फायर का ये बयान हकीकत का रूप कब लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी लिवाना होटल अग्निकांड में जिन विभागों को दोषी पाया गया है उनमें गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और आबकारी विभाग शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। कहते हैं जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लिहाजा जब कई जिलों में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के एक ही जिले में कई सालों से तैनात होने का मामला सामने आया तो न्यूज वन इंडिया की टीम ने भी अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया और न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची नोएडा अग्निशमन विभाग। अग्निशमन विभाग की पड़ताल पर न्यूज वन इंडिया की टीम, सामने आई सीएफओ की तैनाती की सच्चाई, हुए चौंकाने वाले खुलासे, भाई भतीजावाद के सहारे उड़ रही नियमों की धज्जियां। अग्निशमन विभाग में अधिकारियों की तैनाती की सच्चाई जानने के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम सबसे पहले नोएडा पहुंची, जहां की सीएफओ पिछले 5 सालों से अपने पद पर तैनात है, जबकि नियमों के अनुसार कोई भी सीएफओ किसी एक जिले में 3 सालों से अधिक तैनात नहीं रह सकता। न्यूज वन इंडिया की टीम ने जब नोएडा में पड़ताल की तो पता चला कि यहां के सीएफओ अरुण कुमार सिंह की नियुक्ति 8 जून 2017 को हुई थी। नियमों के अनुसार साल 2020 में उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सीएफओ अरुण कुमार 5 सालों बाद भी नोएडा में ही अपने पद पर तैनात हैं। अब हम अपनी पड़ताल में और आगे बढ़े, उससे पहले आपको सीएफओ अरुण कुमार के कार्यकाल में नोएडा में हुए अग्निकांड के कुछ आंकड़े बताते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अरुण कुमार के कार्यकाल में नोएडा के अग्निकांड 2022 में नोएडा में अब तक आग की कुल 700 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1372 था, यानी 1372 अग्निकांड। 2020 में 1246 आग की घटनाएं सामने आई। 2019 में आग लगने की कुल 1729 घटनाएं सामने आई हैं। ये तमाम आंकड़े सीएफओ अरुण कुमार सिंह के कार्यकाल में हुए अग्निकांड के हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोएडा में आग की घटनाओं पर लगाम लगाने में सीएफओ अरुण कुमार सिंह किस हद तक नाकाम रहे हैं। बावजूद इसके अब तक वे नोएडा में पिछले 5 सालों से तैनात हैं, जिसका सबूत सीएफओ दफ्तर के बाहर लगा ये बोर्ड है, यानी न्यूज वन इंडिया के पड़ताल में। नोएडा से न्यूज वन इंडिया के लिए प्रिया राणा की रिपोर्ट। नोएडा और गाजियाबाद के बाद कानपुर का भी हाल देख लीजिए, किस कदर अग्निशमन विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी किस कदर दम तोड़ रही है, देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की जान जाने के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। लगातार उन होटलों, हॉस्पिटल व उन बड़ी बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो कि फायर एग्जीक्यूटर के सिस्टम अपने होटल या हॉस्टल नहीं लगा रखे हैं। अगर बात करें तो उन अधिकारियों पर भी अब गाज गिरनी तय हो गई है जो लंबे समय से एक ही कुर्सी पर टिके हुए हैं और किसी भी तरह की जो कार्रवाई है उस पर सक्रियता नहीं बरत रहे। इस वक्त मैं कानपुर सीएफओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं सीएफओ ऑफिस है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं उस तरह की व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर हैं नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं सीएफओ एमपी सिंह वो अगस्त 2017 से कानपुर में तैनात हैं, लेकिन अभी तक किसी भी 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक न इनका तबादला हुआ है ना ही इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2 बड़े कांड कानपुर में भी अग्नि के हो चुके हैं, एक कार्डियोलॉजी में और एक मॉल में आग लगी थी, जिसके बाद से लगातार व्यवस्थाएँ दुरुस्त करने को लेकर चेकिंग अभियान तो चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक अधिकारी इतने लंबे समय से एक ही विभाग में टिका हुआ है, आखिर उस पर किस तरह की कार्रवाई कब होगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज वन इंडिया।
ये तो वह चुनिंदा अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां अब भी अधिकारी कई सालों से एक ही जिले में अपने पद पर तैनात है, खासकर अग्निशमन विभाग में। न्यूज वन इंडिया की टीम जब अग्निशमन विभाग में फेल होते ट्रांसफर पॉलिसी की पड़ताल पर निकली तो नोएडा के बाद हमारा अगला पड़ाव बना गाजियाबाद स्थित अग्निशमन विभाग। देखिए रिपोर्ट। अग्निशमन विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी झलक तो आप नोएडा में देख ही चुके हैं, जहां पिछले 5 सालों से तैनात सीएफओ अग्निकांड पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे। सालों दर साल आग लगने की हजारों घटनाएं सामने आई, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी को अमल में लाना तो छोड़िए, नोएडा में सीएफओ अब भी अपने पद पर बने हुए हैं और यही हाल गाजियाबाद में भी देखने को मिला। न्यूज वन इंडिया की टीम जब गाजियाबाद स्थित अग्निशमन विभाग पहुंची, तो हमारी टीम की नजर सबसे पहले सीएफओ कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर सबसे नीचे नाम था मौजूदा सीएफओ सुनील कुमार सिंह का, जिनकी नियुक्ति 5 अगस्त 2017 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ। यानी नोएडा के सीएफओ अरुण कुमार सिंह की तरह सुनील कुमार सिंह भी गाजियाबाद में पिछले 5 सालों से सीएफओ के पद पर तैनात हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुनील कुमार सिंह का ट्रांसफर ना होने की वजह उनका बेहतर कार्य है, तो एक बार उनके 5 सालों के कार्यकाल पर भी नजर डाल लीजिए। 2018 में 1264 गाजियाबाद में आग लगने की घटनाएं सामने आई। 2019 में यह आंकड़ा 1000 के करीब रहा। 2020 में अग्निकांड की 910 घटनाएं सामने आई। 2021 में 1289 अग्निकांड की घटनाएं सामने आई। ये सीएफओ सुनील कुमार सिंह के कार्यकाल में हुए अग्निकांड की घटनाओं के आंकड़े हैं, जबकि सुनील कुमार की नियुक्ति से पहले ये आंकड़ा 2016 में 907, 2015 में 784 और 2014 में 873 थे। यानी सुनील कुमार की नियुक्ति के बाद आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, बावजूद इसके अब तक सुनील कुमार सिंह के खिलाफ ट्रांसफर पॉलिसी को अभी तक अमल में नहीं लाया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में जितनी फैक्ट्रियां, कार्यालय या फिर बहुमंजिला इमारतों में आग की घटनाएं सामने आई हैं, उसमें करीब 90% बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं थे। बावजूद इसके गाजियाबाद अग्निशमन विभाग की ओर से न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर गाजियाबाद में न्यूज वन इंडिया की पड़ताल में गाजियाबाद अग्निशमन विभाग, यहां के अधिकारी और विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब तक आपने ट्रांसफर पॉलिसी में लापरवाही पर न्यूज वन इंडिया की यह पड़ताल देखी। आपने देखा कि कैसे प्रदेश के कई जिलों में और खासकर अग्निशमन विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब जरा यूपी सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर भी एक नजर डाल लीजिए। आप अपने स्क्रीन पर सरकार की ये नई ट्रांसफर पॉलिसी देख सकते हैं, जिसके दूसरे पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि ये स्थानांतरण 2022 और 2023 के लिए है। स्थानांतरण 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे। ग्रुप ए और बी के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 साल और मंडल में 7 साल पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां तो अग्निशमन विभाग में अधिकारी सालों से ही अपनी कुर्सी से चिपके पड़े हैं। 30 जून 2022 का समय भी गुजर चुका है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है, या शायद ट्रांसफर पॉलिसी को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है।
तो देखिए न्यूज़ वन इंडिया की पड़ताल आपने देखी और किस तरीके से ग्राउंड जीरो से और बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसके लिए सीधा रुख करते हैं। तीन हम संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, रामजी शर्मा कानपुर से जुड़ गए, एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए, हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए। सबसे पहले रुख कर लेते हैं एसके का। एसके देखिए लेवाना कांड हुआ जिसके बाद कहीं ना कहीं सबका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही से चार जिंदगियां चली गई और चार जिंदगियां जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब जगा है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया ने ये जो पड़ताल की है जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है, ट्रांसफर पॉलिसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, बावजूद इसके जब सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। चलिए शायद इसके तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, रामजी का रुख कर लेते हैं। रामजी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी देखिए किस तरीके से न्यूज वन इंडिया की पड़ताल में ये जो बड़े खुलासे हुए हैं, कानपुर की स्थिति भी कुछ इसी तरह के से है, वहां पर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और न्यूज वन इंडिया के माध्यम से अब जब ये लापरवाही उजागर हुई है, क्या संज्ञान आगे लिया जा रहा है, कितना तत्परता आप देख रहे हैं वहां पर अधिकारियों में? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अग्निकांड के केस लगातार कानपुर में हो रहे हैं उसको लेकर के लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, होटलों पे छापेमारी की जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे होटल हो, सभी के चेकिंग है कि जो आग से बचाव जो संसाधन हो चाहिए वो लगातार हर हॉस्पिटल सब में होने चाहिए। लेकिन कानपुर में जब ये जो लखनऊ में लिवान जो होटल जो कांड हुआ था उसके बाद जब चेकिंग इवेंट चलाया गया तो 300 से ज्यादा हॉस्पिटल और होटल ऐसे मिले थे जिनके यहाँ पर फायर आग से बचाव कोई भी संसाधन उन सभी को नोटिस देकर खाना पूर्ति फायर विभाग तक की गई थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई नोटिस जारी हुआ। सबसे बड़ी बात है कानपुर में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, उस पर एक आग लगी थी और जो मॉल है यहाँ कानपुर बहुत बड़ा मॉल है रावपुर स्टेशन पर के पास, वहां पर आग लगी थी जिसको लेकर के लगातार इस बात की बात सामने आई थी कि वहां से आग से बचाव के संसाधन वो नहीं थे, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल जो कार्डियोलॉजी था वहां पर संसाधन नहीं मिले थे, जिसके बाद आदेश हुआ था कि जो फायर ब्रिगेड का एनओसी है उसको लेने के बाद फायर की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक वहां पर व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक सामने आई जांच में जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है हैलेट, उस हैलेट में है तो बुरे में जमाना बीत गया है, कई दशक पुराना हॉस्पिटल है, बट वहां पर भी अभी तक जो व्यवस्था है आग से बचाव की नहीं है, ना ही एनओसी आज तक हैलेट विभाग ने लिया है। इससे कहीं ना कहीं ये बात सामने थी जो फायर विभाग की जो लापरवाही है वो कहीं ना देखने को मिल रही है, क्योंकि बिना एनओसी लिए और एनओसी नहीं लिए आग अगर यदि हैलेट अस्पताल में आग लगती है तो वहां पर बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ा कांड हो सकता है, लेकिन फायर ब्रिगेड ने ना तो उसको एनओसी दिया ना इसकी जिम्मेदारी मेट्रो करके प्रिंसिपल ले रहे हैं कि वहां पर आग से बचाव संसाधन होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक पॉलिसी है सरकार की उसके तहत ये कि जो भी अधिकारी है चाहे वो सीएफओ रैंक का हो चाहे वो एफएसओ रैंक का हो उसको एक जिले में 3 साल तक ही रह सकता है, लेकिन कानपुर की बात करें तो जो चीफ फायर ऑफिसर है एमपीसी वो 4 अगस्त 2017 को कानपुर में पोस्ट हुए और अभी तक वो यहीं पर पोस्ट है, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, तबादला नहीं किया। और सबसे अहम बात है कि जब जांच की गई या उसकी पड़ताल जब न्यूज़ वन इंडिया चैनल ने की तो साफ और बिल्कुल देखिए राम जी लगातार न्यूज़ वन इंडिया भी यही बड़ा सवाल उठा रहा है कि 2017 से देखिए वो पद पर तैनात है और 2022 चल रहा है, बावजूद जो है वो अपने पद पर बने हुए हैं, आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है, कैसे ये भ्रष्टाचार जो है पनप रहा है? राम जी बने रहिए आप हमारे साथ, एसके का रुख करती हूं। एसके देखिए लेवाना अग्निकांड ने कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान खींचा है और अब जरूरत है कि इस तरीके के अग्निकांड पर अंकुश लगे। और जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर लेवाना होटल को जो कि इस तरीके से शानदार होटल बनाया गया था, पूरे तरीके से कवर था, सील्ड पैक था, आखिर उसे फायर एनओसी कैसे मिली? और देखिए जब जांच हुई तो इस जांच की आंच बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन ये आंच जो जा रही है लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती है ये देखना होगा। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम कार्रवाई की बात करें तो 20 अफसरों पर कार्रवाई हुई है जिसमें से 3 अफसर ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश फायर विभाग से आते हैं जिसमें लखनऊ के फायर ऑफिसर भी शामिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के सवाल न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जून के महीने में ट्रांसफर पॉलिसी आई थी और ट्रांसफर पॉलिसी भी थी 15 दिन के लिए जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं अगर एक जिले में 3 साल और एक मंडल में अगर 7 साल का जो समय सीमा है अगर वो बिता चुके हैं तो उनको वहां से ट्रांसफर किया जाए, लेकिन वो समय सीमा भी निकल गई चूंकि 15 जून से लेकर 30 जून तक इस पॉलिसी को पूरे प्रदेश भर के सभी विभागों को लागू करना था और इसके निर्देश सभी विभागाध्यक्ष सभी प्रमुख सचिवों को जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश फायर विभाग में।
अगर हम लखनऊ के लिवाना होटल की घटना की बात करें तो उसको एनओसी दी गई, जब जांच हुई तो पता चला कि नियम कानून और जो दिशा निर्देश थे उनको ताक पर रखकर यह एनओसी जारी की गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी रूल्स और रेगुलेशंस थे वो लिवाना होटल प्रशासन फॉलो ही नहीं करता था, लेकिन बावजूद इसके उसको एनओसी दे दी गई। तो ये बड़े सवाल थे जिनको न्यूज वन इंडिया भी उठा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये नेक्सस चलता कैसे है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार तब होता है, हमने स्वास्थ्य विभाग की भी खबरें दिखाई कि भ्रष्टाचार तब हुआ जब तबादलों को गलत तरीके से नियम विरुद्ध किया गया, लेकिन ये दूसरे तरीके का भ्रष्टाचार है जिसमें तबादले किए ही नहीं गए। मतलब साफ तौर पर अगर आपकी सेटिंग है और आप नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, ये बड़े सेंटर्स हैं, अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो कितने भी अग्निकांड हो जाएं, लेकिन आपका तबादला ही नहीं होगा। तबादला इसलिए आपका नहीं होगा क्योंकि इन बड़े अगर हम महानगरों की बात करें, जबकि हम छोटे महानगरों को अभी बता नहीं रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आंकड़ा है कि लगातार आप जैसा बता रही हैं कि 1000 से लेकर 500 या उससे ज्यादा घटनाएं आपकी होती हैं, लेकिन अधिकारी लगातार 4 साल, 5 साल या उससे ज्यादा समय तक अपने पदों पर जमे हुए हैं। ये समय सीमा मंडल की है जबकि जिले में सिर्फ 3 साल ही कोई व्यक्ति रह सकता है, तो आखिर कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि विभाग की तरफ से उनको हटाया नहीं जा रहा। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार है, मतलब आप ट्रांसफर करेंगे ही नहीं तो उस श्रेणी में नहीं खड़े होंगे जिस श्रेणी में स्वास्थ्य विभाग या दूसरे शिक्षा विभाग जैसे विभाग खड़े हैं जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े हुए। न्यूज वन इंडिया ने वो भी दिखाया, लेकिन ये एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार है जिसमें 4 साल या उससे ज्यादा सीमा तक अधिकारी अपने पद पर जमे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, उनकी लीपापोती की जा रही है, बड़े पैमाने पर नियम विरुद्ध होटल या अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थान निर्माण कर लिए जा रहे हैं जिसमें प्राधिकरणों की भूमिका भी संदिग्ध है, और साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश फायर विभाग है वो इनको एनओसी जारी कर रहा है। घटना होने के बाद जब लखनऊ में घटना होती है तो 3 अधिकारी फायर विभाग के भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सारी जो औपचारिकताएं इस घटना होने के बाद की गई, अगर पहले से जो उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी है, जो नियम बिल्कुल है, और देखिए ट्रांसफर पॉलिसी जिस तरीके से इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ भी निकल कर सामने आ रही है। इसके आप भी बने रहिए हमारे साथ, हरेंद्र दुबे भी बने हुए गोरखपुर से हमारे संवाददाता। हरेंद्र, गोरखपुर की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार देखिए वहां पर भी जब पड़ताल हुई किस तरीके से खामियां निकल कर सामने आई है। देखिए अगर बात की जाए गोरखपुर में तो गोरखपुर में भी जो डीके सिंह यहाँ सीएफओ हैं, ये 2017 से गोरखपुर में तैनात हैं और आज तक गोरखपुर में बने हुए हैं। खासतौर से ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी लखनऊ से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो केवल डीएम और एसएसपी, डीआईजी और एडीजी की होती है, इन विभागों पर किसी का ध्यान नहीं जा पाता, जिसके कारण ये लोग मलाई काटते हैं जिले में बैठ करके और इन पर कोई ध्यान देता नहीं और इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी नहीं पाती। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो पूर्व में अधिकारी जहां जम गए वहां से मलाई काट रहे हैं और मलाई काटने के बाद भी जिले जो लखनऊ में राजधानी में जो बैठे हुए हैं प्रमुख सचिव या इनके विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी, वह इन पर ध्यान नहीं दे, इनको इन पर बदहस्त बनाए हुए हैं, इन पर इनके ऊपर उनका हाथ है, इसलिए इन चूंकि मुख्यमंत्री को गुमराह भी करने का लोग काम करते हैं अधिकारी कि अधिकारी अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, इसलिए ट्रांसफर बोर्ड, जबकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि 3 साल से अधिक कोई किसी जिले में नहीं रहेगा, किसी मंडल में नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इग्नोर करके अधिकारियों को अपने चहेतों को उन जिलों में तैनात लोग प्रमुख सचिव, गृह सचिव सहित अन्य लोग करते हैं, जो ये नजारा देखने को मिला, जो न्यूज वन इंडिया की टीम ने जांच और पड़ताल की है पूरे प्रदेश के 75 जिले में, खासतौर से इसी तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल देखिए, ये भ्रष्टाचार लगातार बड़े सवाल अब खड़े कर रहा है। चलिए आप तीनों ही लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आशीष जी, देखिए किस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी में ये जो भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां कई समय बीत जाने के बाद भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जहां पहले सवाल ये उठ रहे थे कि किस तरीके से तबादलों में हेरा फेरी है, तो ट्रांसफर पॉलिसी अग्निशमन विभाग की अगर खासतौर से मैं बात करूं तो लंबे समय से लगातार जो अधिकारी है, जो सीएफओ है, वो अपने ही पर तैनात है और बावजूद उन्हीं की निगरानी में किस तरीके से अग्निकांड सामने आ रही है, किसी से छिपा नहीं है। जी बिल्कुल उन्नति, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस खबर का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है
जिसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए विभागों में, वो ट्रांसफर पॉलिसी का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जिसका कारण यही है कि जो हमने सबसे पहले जब जांच पड़ताल की उसमें अग्निशमन विभाग के जो निकल कर आया उसमें ये निकल कर आया कि जो सीएफओ हैं, जो जिले में तैनात हैं सीएफओ, वो काफी समय से मतलब ट्रांसफर पॉलिसी ये कहती है कि ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं उनकी 3 साल से ज्यादा जिले में नियुक्ति नहीं होगी और 7 साल से ज्यादा मंडल में नियुक्ति नहीं होगी। मतलब 3 साल से ज्यादा कोई भी अधिकारी ग्रुप बी का जिले में नहीं रह सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, खबर में दिखाया है कि 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 5-5 साल हो गए हैं, 5-5 साल से ऊपर भी हो गए हैं कई जिलों में जहाँ सीएफओ तैनात हैं लेकिन उनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और उसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनमें सीएफओ ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में सीएफओ नहीं है, जो सेकंड अफसर है वो जिले को चला रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल है। ये भी कह सकते हैं कि जो भाई भतीजावाद है वो उसमें हावी है, क्योंकि गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, हापुड़ की, गोरखपुर की, वाराणसी की, इन जिलों में जो हमने जब जांच पड़ताल की उसमें हमारे जिस तरह से रिपोर्टर भी बता रहे हैं कई कई साल हो गए हैं सीएफओ को लेकिन सीएफओ के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसका क्या कारण है? कह सकते हैं भाई भतीजावाद जो है वो हावी है कहीं ना कहीं, क्योंकि नोएडा में जो सीएफओ है उनको काफी समय हो गया, गाजियाबाद सीएफओ को काफी समय हो गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, उनसे नीचे जो एसएसओ होते हैं उससे नीचे होते हैं सेकंड अफसर। तो सेकंड अफसर जो है, सेकंड अफसर को कहीं ना कहीं सीएफओ ने एसएसओ के तहत जो दिया हुआ है, नियुक्ति दी हुई है, और वो एनओसी जारी करते हैं, जबकि एनओसी देने का अधिकार सेकंड अफसर का नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो है, ये सेकंड अफसर को प्रमोट किया गया है, प्रमोट करने के बाद में एनओसी उनके द्वारा दी बिल्कुल जाती है। देखिए आशीष जी, लगातार जब न्यूज वन इंडिया ने ये जो पड़ताल की है इसके बाद से दो बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, 3 साल बीत जाने के बाद भी तबादले क्यों नहीं किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जिनको अथॉरिटी नहीं है आखिर वो कैसे फायर एनओसी दिए जा रहे हैं। इस जो संज्ञान लिया जा रहा है अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक एक सच्चाई दिखाने के लिए कि आखिर न्यूज वन इंडिया ने ये कोशिश की है कि अग्निशमन विभाग में किस कदर भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है, अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये वक्त बताएगा और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अग्निशमन विभाग में भी काम करती है। नमस्कार। देना वो वाली MDH की सुपर हींग, सुपर हींग जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का, असली मसाले, सच सच MDH। क्या आप विद्या